12,651 केसेस थे और पॉजिटिविटी थी 19.1%। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो 36% से घटते हुए 19% के करीब आ गई है, और जो टोटल केसेस थे 28,000 पर डे तक मैक्सिमम गए थे, अब ये कम होते हुए 12,500 के आसपास आ गए हैं। तो थोड़ी सी लगता है आशा की किरण नज़र आ रही है कि जो बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे अब वो कम होने स्टार्ट हुए हैं, परंतु अभी भी हम कंफर्ट नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर दो क्राइटेरिया हैं, जब तक पॉजिटिविटी 5% से नीचे ना आ जाए और केसेस भी मतलब 3-4 हज़ार से नीचे ना आ जाए, तब तक मुझे लगता है हमें पूरी तरह से ही मान के चलना चाहिए कि अभी केसेस काफ़ी मान जाएंगे। क्या इतना कह सकते हैं क्या पीक हो गया है 28,000 केस? ये तो मैंने आपको काफ़ी दिन पहले बताया था कि दिल्ली के अंदर ट्रेंड रिवर्सल जो था वो लगभग अप्रैल के आखिरी सप्ताह में स्टार्ट हो गया था, लग रहा था कि कम होना स्टार्ट हो गया है। तब भी मैंने कहा था कि कंफर्म करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता, कंफर्म है कि यहाँ पीक तो लगता है कम हो गया है। देखिए संडे के दिन भी 66,000 टेस्ट हुए थे दिल्ली में, डेली 80,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं। सर एक संडे को 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए थे। देखिए लॉकडाउन का फर्क है थोड़ा सा, लॉकडाउन होने की वजह से लोग घरों से कम निकल रहे हैं। पहले जो भी मार्केटों में जाते थे, पब्लिक प्लेस में जाते थे, उनके सबके किए जा रहे थे। कई अस्पताल से शिकायतें, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, टेस्ट नहीं हो रहे हैं। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में सब जगह हो रहे हैं। सर लोग ये क्या कर रहे हैं? सर एक सवाल ये है कि क्या दिल्ली में कोरोना की जो पीक या लहर आई थी, चौथी लहर जिसे कहा गया था, वो लहर जा चुकी है या फिर वो जा रही है? ये देखिए लहर बिल्कुल चल रही है, परंतु ऐसा लगता है कि उसकी पीक जो अप्रैल के आखिरी सप्ताह के बाद से धीरे धीरे डाउन आता जा रहा है। सर लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं लेकिन उनको स्लॉट ही नहीं मिल पा रहा है। वैक्सीन ही नहीं मिल रही ना, अभी वैक्सीन मिल जाएगी तो सबको लगा देंगे, हमने तो इंजाम कर लिए हैं। पूरा स्टेटस बता दीजिए। दिल्ली सरकार ने वैक्सीन के पूरे इंजाम कर लिए हैं लगाने के, परंतु वैक्सीन जो मिलती है कंपनीज़ को वो केंद्र सरकार पूरा उसके ऊपर कंट्रोल है उनका, जिसको देना चाहते हैं उनकी ऑर्डर से ही मिलते हैं, तो अभी वैक्सीन मिलने में दिक्कत आ रही है। स्टॉक का स्टेटस बता दीजिए जिससे हमें पता लगे। अभी दिल्ली में मतलब 3-4 दिन की वैक्सीन है। सर कोवैक्सीन आपने कहा था कि कल एक दिन की वजह, तो आज शाम के बाद कोवैक्सीन यानी कल का स्लॉट नहीं मिल पाएगा लोगों को? अभी कल का स्टॉक चेक करके बताते हैं, हमेशा रात को देर रात को ही आती है चेक करके। 47,000 कुछ ही वैक्सीन थी ये दिन में जो वैक्सीन लगी जाता है कोवैक्सीन। हाँ मैंने बताया ना, हमने बहुत बड़े स्केल पे इंजाम किए हैं। दिल्ली में 100 स्कूल हमारे चल रहे हैं, एक स्कूल के अंदर एक दिन में 1,500 तक वैक्सीन हम लगा सकते हैं और उसको 300 नंबर पर हम ले जा सकते हैं, तो डेली हम 3-4 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं। कोवैक्सीन आज खत्म हो सकती है, हो जाएगी शाम को बता देंगे। सर जैसा आपने कहा कि मामले कम आ रहे हैं, पुराने लोग भी ठीक हो गए घर आ रहे हैं, तो क्या इसका रिफ्लेक्शन अस्पतालों में बेड पर नजर आ रहा है? आपको लगता है कि बेड अब फिर से खाली होते जा रहे हैं? देखिएगा अभी अभी नहीं, मैं कह सकता कि क्योंकि एक समय ऐसा आया था ऑक्सीजन की कमी थी बहुत ज़्यादा, तो दिल्ली के अंदर बेड्स में दिक्कत आ रही थी, अब वो दिक्कत तो कम हुई है, ख़त्म हो गई है, बट अभी भी डिमांड है दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स की बेड की, अभी भी डिमांड है। अभी भी देखिएगा 23,000 के करीब बेड हैं दिल्ली में जो कोरोना के हैं, जिसमें से 20,000 के करीब ऑक्यूपाइड हैं। 20,000 एडमिशन बहुत बड़ी बात होती है। खाली बेड तो हैं 3,500 के करीब खाली बेड हैं, बट उससे भी इम्पोर्टेंट है कि 20,000 लोग अस्पतालों के अंदर एडमिट हैं। पिछली जब लहर आई थी तब मैक्सिमम 9,500 पेशेंट एडमिट हुए थे किसी एक दिन में, मैन मैक्सिमम जो ऑक्यूपेंसी थी 9,500 बेड की थी। टॉप कितने गई ऑक्यूपेंसी आप लोग? 1,500 एक्स्ट्रा मान लीजिएगा, 22,000 के 22,000 तक ही, तो वो बहुत बड़ी संख्या थी। और अब एक किसी भी शहर के लिए, प्रदेश के लिए 22,000 लोगों का अस्पताल में एडमिट होना बहुत बड़ी बात। सर ऑक्सीजन का क्या स्टेटस है अभी? ऑक्सीजन का पहले से थोड़ी डिमांड कम हुई है, क्योंकि अभी जैसे बताया ना कि नंबर ऑफ केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, परंतु अगर ऑक्सीजन मिलती रहेगी तो ठीक रहेगा, अगर मिलनी बंद हुई तो दिक्कत आएगी। सप्लाई का स्टेटस क्या है सर? सप्लाई का, सप्लाई 700 टन दिल्ली की जरूरत है, थोड़ी सी कम मिल रही है उससे। सर उसके बाद कहा गया था कि जो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किए जा रहे हैं उसके बाद डिमांड बढ़ेगी 976 में? नहीं देखिए हमने इंजाम कर लिए हैं, देखो नंबर ऑफ केसेस पे सब कुछ डिपेंड करता है, केसेस जितने तेजी से बढ़ेंगे उतनी डिमांड भी बढ़ेगी। अब केसेस लग रहा है कि पीक थोड़ा सा नीचे आ रही है, डाउन हो रहा है।